A current carrying, a varying current in a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 second. If the average EMF in the coil is 220 volt, then self inductance is. मेरे हिसाब से तो ये इजी क्वेश्चन है. यस सर, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, EMF is equal to minus L di by dt. बिल्कुल सही, E equal to minus L di by dt लगाओ, देखो आंसर आता है. It's 11 Henry आ रहा है. 11 आ रहा है, right? 11 Henry. Yes sir. तो ये इजी क्वेश्चन था, देखो इस पे मैंने सिंगल स्टार लगाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉन्सेप्चुअल है. 4 क्लियर हो गया ना, E equal to minus L di by dt. Yes sir. सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. n square होएगा ना इसका, क्योंकि उसके फॉर्मूले में l is equal to n square, n is number of turns, then self inductance is n square. बिल्कुल सही बात है. यस सर, बिल्कुल ठीक है. तो अगर फॉर्मूला पता तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान था. यस सर, बिल्कुल ठीक है. 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 में एनर्जी की बात चल रही है क्या? यस सर. अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एल आई स्क्वायर. यस सर. तो हाफ एल आई स्क्वायर अप्लाई करके देखो. हाफ एल आई स्क्वायर So will become 4 times क्योंकि n square से directly proportional. बिल्कुल सही, n square के directly proportional, ऐसा भी हमने ऊपर पढ़ा. Yes sir. तो अगर हम number of turns को double करेंगे तो self inductance क्या हो जाएगा? It will become 4 times. बिल्कुल सही. और small n और capital n में difference समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Capital n हमारा क्या है? Total number of turns and small n the number of turns per unit length. बिल्कुल सही. 8th क्वेश्चन भी डायरेक्ट लग रहा है मुझे. एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कैपेसिटर बोलता तब मैं क्या करता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता. तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक बात है सर. ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये इंडक्टर है. करंट कैरिंग कॉइल का ना इंडक्टर की बात कर रहा हूँ. ओके सर. क्या क्वेश्चन नंबर 9th आ गया? देखो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं. यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर है कॉइल का मतलब इंडक्टर कहना चाह रहा है, ठीक है. ओके सर. तो मैग्नेटिक फील्ड. यस सर. आई होप 8th और 9th क्लियर हो गया. यस सर. ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे. अच्छा क्वेश्चन है. उससे पहले ये बताओ, सीरीज और पैरेलल याद है रेजिस्टेंस का? यस सर, याद है. ठीक है, तो वैसे इसमें भी चलता है सिमिलर. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है एक इंडक्टर के आगे तुमने एक इंडक्टर और लगा दिया, तो क्या ये दोनों सीरीज में हैं? यस सर.
तो मैंने बोला इंडक्टर किसकी तरह चलेगा, चलेगा रजिस्टर की तरह. तो क्या रेजिस्टेंस में एल आर वन प्लस आर टू होता था? यस सर. तो इसमें एल तो वैसे इंडक्टेंस में मैंने क्या बोला, एल वन प्लस एल टू हो जाएगा. ओके अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल का मतलब ऊपर नीचे लगा दिए क्या इंडक्टर्स? यस सर. तब हम लोग क्या करेंगे, वन बाई एल पैरेलल इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू. यस सर. ये ठीक है, यस सर. ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर क्लियर है. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन काफी पूछते हैं, देखना ध्यान से. क्या तीन इंडक्टेंस दिख रहे हैं, एल वन एल टू एंड एल थ्री? यस सर. अभी तीनों सीरीज में है या पैरेलल में, जो अभी दिख रहे हैं? सीरीज में. बढ़िया. अब मैंने ऐसे बीच में वायर और लगा दिए क्या? यस सर. तो अब क्या लग रहा है, सीरीज है पैरेलल है या पता नहीं? सब पैरेलल है. पैरेलल है. कैसे मालूम हुआ? सर देख के लग रहा है वो पैरेलल. ठीक है, इसको देखते हैं कि पैरेलल में क्यों, ये मैं दिखाना दिखाता हूँ. ठीक है, यस सर. मेरे पास इसका एक तरीका है, ध्यान से देखना. नंबरिंग करता हूँ मैं. अगर ए का नंबर वन है तो जहां जहां डायरेक्ट वायर जाता है वहां वहां पे नंबरिंग वन कर दूंगा. तो क्या मैं ए से सीधा एल वन के लेफ्ट एंड पे पहुंच सकता हूँ? नहीं सर. ए से एल वन के लेफ्ट एंड पे. अच्छा. ओ ओके. यस सर. अब ऊपर भी एक रास्ता दिख रहा है मुझे. यस तो क्या मैं एल टू के राइट हैंड पे पहुंच गया यस सर. और एल थ्री के भी लेफ्ट हैंड पे? यस सर. क्या कहीं और जा सकते हैं? नो सर. ठीक है, तो क्या हमें जंप करना पड़ेगा? यस सर. तो जंप करने पे नया नंबर दे दिया मैंने, टू. तो एल थ्री के राइट साइड पे कितना नंबर है, टू. तो बी का भी नंबर कितना हुआ, टू. टू. क्या नीचे भी वायर आ रहा है? यस सर. तो एल टू के लेफ्ट साइड में कितना नंबर डाल दिया, टू. टू. और एल वन के राइट साइड में भी टू. यस सर. इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या करी, सबकी नंबरिंग कर दी. अब मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें इनपुट का नंबर वन था, आउटपुट का नंबर टू था. एल वन पे क्या लिखा हुआ है, एल वन के क्रॉस वन टू से वन एंड टू, यानी एल वन का वन एंड वन से कनेक्ट कर दो और अदर एंड टू से. एल टू पे क्या लिखा है, टू एंड वन, तो ये भी एल वन के जैसे. तो एक ये टू पे चला जाएगा और एक वन पे चला जाएगा. एल थ्री पे क्या लिखा है, वन एंड टू, तो ये भी ये वन और भी टू से कनेक्ट हो जाएगा. तो क्या आप रीड्रॉ करने पे बहुत क्लियर है कि तीनों पैरेलल में है? यस सर. तो वन बाई एल पैरेलल किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री. बिल्कुल सही. आई होप लॉजिकल लगाइए. यस सर. ठीक है, तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन कर सकते हैं? यस सर. सर 1 हेनरी आएगा इसका आंसर. बिल्कुल, यहाँ पे आइडेंटिकल है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. यस सर. ठीक बात है. यस सर. क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हैं हम लोग. यस सर. और ये अप्रोच तो लॉजिकल लगती है ना, कि जितने क्वेश्चंस बनाओगे कॉन्सेप्ट उतना इंप्रूव होता जाता है. यस सर. जरूरी बात है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए. यस सर. कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है 11th क्वेश्चन में? सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डीआई बाय डीटी. परफेक्ट है. डीआई कितना लग रहा है?
-4 एम्पेयर. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है. E इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी लगाओ आ जाएगा. ओके सर. सर 0.1 हेनरी आ रहा है. बहुत बढ़िया. करंट 2 एम्पीयर से -2 एम्पीयर हो गई, तो -2 का सिग्निफिकेंस पता है क्या कहना चाह रहे हैं? और सर डायरेक्शन हाँ, बारे डायरेक्शन में फ्लिप हो गई है. यस सर. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्चुअल है क्या? ओ हाँ जी यस सर. अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. टू कॉइल्स आर प्लेस क्लोज टू इच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन रेट एट विच करेंट्स आर चेंजिंग. तो रेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? रेट तो इम्पोर्टेंट नहीं था, बढ़िया, टाइम मतलब मैंने रेट. बहुत क्लियरली बोला था करंट इंपॉर्टेंट नहीं है. यस सर. सी कह रहा है मटेरियल ऑफ वायर, ये भी फालतू बात लग रहा है. सर मटेरियल कह का रहा तो है मैंने रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है. ओके सर. इसका क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. रिलेटिव पोजीशन समझ में आ रही है? दो कॉइल्स कैसी रखी हुई है, राइट? यस सर. अगर दो कॉइल्स एक के अंदर एक रखी हुई है, तो ये गुड केस होना चाहिए या बैड केस होना चाहिए? गुड केस. बिल्कुल सही. अगर दो कॉइल ऐसी रखी है थोड़ा डिस्टेंस पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा. बिल्कुल सही. अब ध्यान देना, थर्ड केस देखो. दो कॉइल्स मैंने ऐसे रख दी, तो क्या इनमें आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ? और मैंने ऐसी कॉइल रख दी, थर्ड और फोर्थ थर्ड फिगर में में, थर्ड और फोर्थ में कुछ डिफरेंस लग रहा है? ओरिएंटेशन अलग है ना दोनों में. बिल्कुल सही. तो जो फोर्थ डायग्राम बनाया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है. बिल्कुल, तो हम चाहते हैं अलाइंड हो. अगर परपेंडिकुलर कर दोगे तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम कब होगा? जब जब ऐसे क्लोजली पैक हो. ठीक है, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट N1N2A1L होता था ना, तो फिर ये सेकंड केस में कम क्यों हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस. सेकंड इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अगर तुमने दोनों कॉइल्स को दूर दूर रख दिया है तो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अच्छा ओके कम हो रहा है. उसके लिए कॉन्सेप्ट डिफाइन करा गया है, इसको बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग. के दिख रहे हैं, यस सर. इस के की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी. ओके सर. ठीक है, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारी? 1. 1. और के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती 0. यस है? 0. ठीक सर. है, तो क्या आज हमने कुछ ऐसा कुछ डराइव करा था ऐसा लास्ट क्लास में? रूट L1 L2 इक्वल टू M अंडर रूट A2 बाई A1, कुछ यस ऐसा याद आ रहा है? सर. ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या M √L1 L2 के इक्वल हो सकता है इफ K इज 1? बिल्कुल यस सर. जब के मैक्सिमम होएगा तो हो जाएगा. सही. तो फिगर 3 और 4 से मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या कि कॉयल के ओरिएंटेशन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है.
हाँ जी है, लॉजिकल लगा? यस सर। इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आई थिंक 12th का आंसर भी होना चाहिए रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। यस सर, होना चाहिए। ठीक बात है, यस सर। ठीक है। 13 ट्राई करते हैं। Two coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross-sectional area this and length this. If one of the solenoid has 300 turns, another 400 turns, then mutual inductance is. तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? सर M is equal to mu naught N1 N2 A1 L। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा है म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन एल, राइट? यस सर। ए वन का मतलब हम कौन सा एरिया कहना चाह रहे हैं, इनर या आउटर? इनर। ठीक है, क्या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एन वन बाई एल, यस सर, एन टू बाई एल इंटू ए वन एल? यस सर। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले की दो फॉर्म है क्या, एक स्मॉल एन में और एक कैपिटल एन में? यस सर। तो हमारे क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है? ओ सेकंड वाले की। बिल्कुल सही, सेकंड वाला लगेगा। ओके ठीक है सर। म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, राइट? यस सर। ठीक है, अप्लाई करके देखो, यहाँ पे एरिया दोनों का डिफरेंट है या ऑलमोस्ट सेम है? सेम है, ये भी ध्यान रखना है। ओके सर। म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, और सबको एमकेएस में पुट करना, मीटर किलोग्राम सेकंड में। ओके सर। तो देखो इससे डी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं ट्राई करके देखूं। नहीं सर, आ गया। म्यू नॉट की वैल्यू डालनी चाहिए 4π × 10⁻¹⁷। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अच्छा, 40 वाला मैंने करा दिया था। यस सर। ओके, यहाँ पर समझने वाली बात है कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है क्या, 0 to t/4? यस सर। तो ईएमएफ नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। तो क्या सी और डी ऑप्शन में डाउट आ सकता है? नहीं आ सकता, कि डी होगा क्योंकि ईएमएफ नेगेटिव है। बिल्कुल सही, और बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए। हाँ मतलब बी ऑप्शन में भी तो नेगेटिव है। अच्छा ओके, तुम कह रहे दोनों नेगेटिव है। हाँ जी, मैं कह रही दोनों नेगेटिव है, एंड लेकिन जब करंट डिक्रीज होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्ट है। आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस सर। उससे पहले एक दो कॉन्सेप्चुअल दिख गए, उनको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। मैक्सिमम इन सिचुएशन ए।
बिल्कुल ठीक। तो लिंकेज वाली बात समझ में आई थी ना जो बताया था मैंने? बहुत यस सर आ गए। बढ़िया। तो कोई इस क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या? यस सर 16 भी आज हमने डिस्कस करा है। यस सर। सर जो इसके क्वेश्चन पहले नंबर 17 है उसमें कॉन्सेप्ट बी है। एंड सर 17 हाँ 17 बताओ। तो उसमें बी एंड सी में दोनों में मिनिमम होएगा ना? हाँ बी और सी में मुझे लगता है कि मिनिमम होना चाहिए। ठीक ओके सर। है 16th में क्या हमने करा था? रेक्टेंगल स्क्वायर वाला केस। यस सर करूंगा। ठीक है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया था प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल। यस सर। एक बार क्लास के बाद नोट चेक करना तो मिल जाएगा 16th क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके सर। हाँ 15 ट्राई करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में ईएमएफ जीरो करने की बात कर रहा है? यस सर। तो सबसे पहले तो सोचो ईएमएफ निकालेंगे कैसे। सो उसका फॉर्मूला जो था एल आई ईएमएफ इज इक्वल टू इक्वल टू माइनस माइनस एल एल। डी बाई डी टी राइट। यस सर। अगर ईएमएफ जीरो है इसका मतलब क्या होना चाहिए? सर डी आई बाई डी टी भी 0 है। परफेक्ट, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने देखा ईएमएफ का फॉर्मूला जो हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस में ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी राइट। यस सर। अगर हम ईएमएफ जीरो करना चाहते हैं तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी को जीरो कर दूं क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। तो यस सर। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या करंट वाले फंक्शन को? यस सर। ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। करंट का फंक्शन था हमारा टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी राइट। सर इधर ई क्या है? ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ओके सर। एक्सपोनेंट। तो क्या ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है? ठीक यस सर। है तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो उसमें हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन ओके में। सर। कैसे लगाते हैं मैं आइडिया दे देता हूँ। इसका अंदर मैंने कहा था ना यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आ गया है। यस सर। अगर दो फंक्शन है यू और वी और तुम डिफरेंशिएट करना चाहती हो, डिवाइड बाय डीएक्स निकालना चाहती हो, तो मैं ऐसे बताता हूँ। पहली बार पहले को माफ कर दो, मतलब यू को लिख लो कुछ मत करो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरी बार दूसरे को माफ कर दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है यस सर। तो अगर हम लोग डी आई बाई डी टी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पहला फंक्शन कौन लग रहा है मुझे? टी स्क्वायर। ओह यस सर। टी अब स्क्वायर। ट्राई करके देखो कर पाओगी? एक बार ट्राई करो, नहीं मैं बताऊंगा। सर एक्सपोनेंट का क्या डिफरेंशिएशन होगा था मुझे e टू कैसे? पावर माइनस टी का e टू पावर माइनस टी इंटू माइनस ओके सर। मैंने बोला e टू पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा e टू पावर माइनस टी इंटू माइनस प्लस। सेकेंड टाइम क्या करेंगे? ए टू द पावर माइनस थ्री को ऐसे बाहर कॉपी ले कर लेंगे। लेंगे एंड एंड यस टी सर। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आसान था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था राइट। यस सर। तो क्या e टू पावर माइनस टी में कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। तो मुझे लगता है ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बन गया। यस सर।
इसका मतलब या तो e टू पावर माइनस टी को जीरो डालोगी या फिर माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी को जीरो डालेंगे. यस सर. e टू पावर माइनस टी जीरो तब होगा जब टाइम हमारा क्या हो, इनफिनिट. ठीक है. ओके सर. क्या सेकंड टाइम में टी कॉमन ले सकता हूँ मैं? यस सर. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें टाइम की दो वैल्यूज मालूम पड़ेंगी. एक होगी टी इज इक्वल टू जीरो और अदर वैल्यू क्या होगी, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड. राइट. यस सर. टी एम एफ तीन टाइम जीरो हो सकता है, इनिशियली जब टाइम जीरो था या फिर टू सेकेंड पर या फिर इनफिनाइट सेकेंड पे. ओके ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा क्वेश्चन था. यस सर. देखो फर्स्ट ऑफ ए जीरो भी दिया है, इनफिनाइट भी दिया, टू सेकंड भी दिया. राइट. यस सर. तो फिर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ. लॉजिकल लगा? यस सर. अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा काफी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए. यस सर. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करते हैं, फिर 19 18 देखेंगे. तो ये जो हमने करा था वही फॉर्मूला लगेगा ना इसमें? कौन सा फॉर्मूला? तो जो हमने जब सर्कल का निकाला था थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है. जो हमने करा था क्या वो दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक थे? यस सर, कंसेंट्रिक थे. ये कॉन्सेंट्रिक नहीं लग रहे मुझे. ओ ये पैरेलल है. ओके थोड़ा ध्यान से देखो. सेंटर ऑफ स्मॉलर लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप. एक्सिस पर रखा हुआ है क्या? यस सर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज एक्स. यस सर. ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोलना क्या चाह रहा है ये देखते हैं. क्या मैंने एक बड़ी रिंग बना दी? यस सर. ठीक है, अब उसकी एक्सिस पे मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी रिंग बना देते हैं. ठीक है. यस सर. बड़ी रिंग के रेडियस कैपिटल आ रहे हैं, छोटी रिंग के रेडियस स्मॉल आ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस एक्स है. ठीक है. यस सर. बड़ी रिंग को नेम मैंने टू दे दिया, छोटी रिंग को मैंने नेम वन दे दिया. तो ये कॉन्सेंट्रिक है या कोएक्सियल है? कोएक्सियल. बिल्कुल सही. तो डिफरेंस समझ में आया ना? यस सर. जो हमने डेरिवेशन तब करी थी वो हमने किसके लिए सॉल्व करा था? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. अब मैं जानना चाहता हूँ फ्लक्स किसका निकालना चाहती हो, वन का या टू का? किसका फ्लक्स निकालना वाइज डिसीजन है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन ए बी कॉस थीटा. थीटा मैंने जीरो लिया है. मैंने बोला हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन में फ्लक्स किसका निकालना है, हमेशा छोटे वाले का. नंबर वन टू कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे वाले का निकालो. ठीक है. ओके सर.
नहीं तो फंस जाओगे। डेटा ये ऐसा देखा कि बड़े वाले के लोग सोचते निकाल दो, मना करा मैंने बड़े वाले को निकालने को। यहाँ कितनी रिंग्स है हमारे पास छोटी वाली, एक एरिया कितना yes. है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक बात है। अब ये बी टू क्या रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला होता है ऐसा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो हम फंस जाएंगे क्या? यस सर, तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। क्या फाई को मैं एम आई लिखूंगा? यस सर, फाई वन है तो आई टू लिखूंगा, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ एम वन टू और एम टू वन एक ही बात है क्या? यस सर, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम। सर अगर हम इसमें बड़े वाले का निकालते तो क्या प्रॉब्लम आती? करो देखो समझ में आएगा, बड़े वाले का हम निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे बताता हूँ, अगर बड़े वाले का फ्लक्स निकाल लोगे तो फाई इक्वल टू ए बी लिखूंगी। यस सर, तब ए बी में बी यूनिफॉर्म हो जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, और हमें तो निकालना ही नहीं आता ना, हमें तो सिर्फ एक्सिस में निकालना आता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, ये बात समझ में, मैंने क्या बोला, अगर इस छोटी रिंग का तुम फील्ड निकालोगी तो वन के वजह से फील्ड तुम सिर्फ सेंटर पर निकाल सकती हो, टू के बाकी पॉइंट थ्री फोर पे कैसे निकालोगी? अच्छा ओके राइट सर, ठीक है। हमें उसका फॉर्मूला ही नहीं पता, हो सकता है कोई फॉर्मूला होता बट हमें नहीं पता ऐसा कोई फॉर्मूला। ओके सर, इसीलिए हमेशा कंडीशन क्या डाली जाती है, जो रिंग वन है वो लार्ज है या स्मॉल है? स्मॉल है, इसीलिए बोला जाता है, जिसकी वजह मतलब है कि इस रिंग पे फील्ड यूनिफॉर्म मानेंगे या नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा वो इतनी छोटी है कि उस पे और कोई पॉइंट से कंसीडर नहीं कर रहा? हाँ, उसको हम पॉइंट कर लेंगे। ओके सर, तभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म है फिर तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर, तो आई होप इस क्वेश्चन से थोड़ा अप्रोच और इम्प्रूव हुई तुम्हारी। यस सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, आई थिंक न्यूमरेटर में पाई ऑप्शन बड़े पास पास है, देखना ही पड़ेगा राइट। यस सर, सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं रिजल्ट क्या आया था। पाई स्मॉल आर स्क्वायर म्यू नॉट आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर म्यू नॉट आर स्क्वायर, सेकंड रॉन्ग हो गया, सेकंड में टू है क्या? यस सर, उसमें टू है, ठीक है सेकंड रॉन्ग हो गया। आप देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? सर उसमें पावर क्यूब है और उसमें 1/2 है। अच्छा तो वो भी रॉन्ग हो गया, सीओडी भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। पावर तो मुझे 3/2 चाहिए राइट? यस सर, तो फर्स्ट है इसका आंसर। तो अगर 20 क्लियर हो तब हम 18 और 19 ट्राई करें। यस सर, 18 और 19 भी इन्हीं कॉन्सेप्ट में है, 18 ट्राई करें पहले। ओके सर, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसमें खूब सारे क्वेश्चन बना लो कि एकदम सेट हो जाता है, फिर दिमाग में अप्रोच एकदम सेट हो जाती है कि ऐसे सोचना है। और सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर बहुत स्मॉल लूप है क्या? यस सर, लाइज पैरेलल टू अ मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, दूसरा लूप काफी बड़ा है। यस सर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर,
If a current of 2 ampere flows through the bigger loop, then flux linked with a smaller loop. वही फॉर्मूला लगेगा बस MI से रिप्लेस नहीं करेंगे फ्लक्स को हाँ हमें तो एग्जाम में ऐसा कोई फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा हमें तो बैठ के बनाना पड़ेगा एग्जाम में तो यहाँ बेसिक अप्रोच दिमाग में क्या आ रही है कि फ्लक्स इज इक्वल टू NAB एंड N इज इक्वल टू 1 ठीक है तो phi इज फ्लक्स इक्वल टू A into B राइट यस सर A ठीक है और क्या फ्लक्स को MI भी कह सकते हैं अच्छा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद हाँ जी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे फ्लक्स ही पूछा है बिल्कुल ठीक है फाई इक्वल टू ए भी लगाओ देखो हो जाना चाहिए तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना यस सर थोड़ा मैं डेटा चेंज कर दूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए ओके सर ठीक है रेडियस कितनी गिवन थी 20 सेंटीमीटर कैपिटल आर यस सर और ये डिस्टेंस एक्स कितनी थी हमारी फिफ्टीन सेंटीमीटर सही है यस सर तो क्या हमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा यस सर कहीं 625 तो नहीं बन जाएगा सेंटीमीटर में ओ यस एक बात है ओके इसका मतलब डेटा सोच के लिखा गया राइट यस सर तो क्या ये 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो गया यस सर सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया राइट यस सर ठीक है अब फाई इक्वल टू ए बी में एरिया हम किसका लेंगे छोटे वाले का यस सर और बी बड़े वाले की यस सर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 को सीधा लिख दूं मैं 25 इंटू 10^-2 का मतलब 1/4 तो नहीं हो गया यस सर 1/4 तो क्या 1/64 हो जाएगा यस सर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी राइट यस सर ठीक है म्यू नॉट को मैं क्या पुट कर सकता हूँ 4π × 10⁻²⁻⁷ 4π × 10⁻²⁻⁷ ठीक है क्वेश्चन में करंट गिवन थी राइट यस सर करंट थी हमारी 2 एम्पियर तो क्या करंट और 2 ये कैंसिल हो जाएगा यस सर कैपिटल आर कितना था 0.2 मीटर ठीक बात है यस सर ठीक है तो अब हमें किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्मॉल आर स्मॉल आर कितना गिवन था स्मॉल आर था 3 मिलीमीटर ठीक है यस सर तो मिलीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 10⁻³ स्क्वायर भी कर दिया अपने राइट यस सर तो अब इसको कैलकुलेट करके देखो और बताओ इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है या नहीं आ रहा उतना कैलकुलेट करके देखो हाँ थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल लग रही है मुझे यहाँ पर ये आ जाएगा कितना